Their research says कि हम अपने informal groups के अंदर बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं. तो अभी तक किसी speaker ने आप लोगों को खुद को introduce कराया है, right? लेकिन आप लोगों को introduce नहीं करा, right? क्योंकि हमारी तादाद ज़रा ज़्यादा है, 150 के लगभग है, right? So what we are going to do is go by आपकी round tables, right? हर table के पास मैं जाऊँगी and we are going to see कि किस university के students इकट्ठे हुए हैं. सारे students हैं? अभी तो ना हमारी इंडस्ट्री से कोई है? ज़्यादा स्पेंड नहीं है. और एक एनटीयू माइवन यूनिवर्सिटी, ये वाला भी साथ है. और एक अब बाकी ये नहीं हो सकता कि मैं एक राउंड टेबल के पास जा रही हूँ और बाकी सारे किसी से बातें कर रहे हैं. नो, दैट्स नॉट गोना हैपन. व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज आपने मुझे बताना है जो उस साइड पे एंड द वन एट द बैक. I can see you, yes. The lady who is shaking her head. No, don't do that. Alright. तो आप तो मुझे बताना है कि for example इस side पे कौन सी universities बैठती हैं? This side is going to tell me कि यहाँ पे कौन सी universities बैठती हैं. And vice versa. And the back in the middle column is going to tell me कि front पे कौन सी universities बैठती हैं. ठीक हो गया? Purpose आ रहा है भाई. क्यों करवानी है? Purpose आता है. Alright, and the front is going to be telling me कि पीछे कौन बैठा है. Am I clear? Yes. सबको task समझ आ गया? Yes. Alright. दोबारा से शुरू करना. International Islamic University समझ आ गया? Yes. उस side को समझ आ गया? Yes. Alright. NTU. Next. Behria. Next. Behria. Behria. So we have two groups of Behria over there. And Islamic University as well as NDU. Thank you. अब मैं इस कॉलेज की तरफ आ रही हूँ. यहाँ पे आप लोगों को तो साइड नजर ही नहीं आ रही, है ना? जो ज़्यादा है. I'll make you worry. आप कुछ वेटिंग होता है उनके लिए आप हमेशा पीछे आ जाएंगे ना? लेकिन for the moment आप मुझे बता देना कौन सी यूनिवर्सिटी से आ रही है. All right. We have an organizer over there. All right. The next university at the back. Islamic. याद है उस कॉलम को? Yes. Alright. This one. Kajal. Alright. Kajal, कितने ग्रुप्स हो गए? I can see my own students there. Alright. So NDU वो है. अब बताइए वहाँ पे कौन कौन बैठा हुआ था? क्या टॉपिक है?
थोड़ा सा हटके हैं बाकी स्पीकर से, राइट? आपको अभी तक बताया गया है कि लीडरशिप क्या होती है, कैसे आपको एक मॉडल दिया गया कि आप कैसे पैदा की जा सकती है, ठीक है? और अगर आपने नोट किया हो तो सेकंड लास्ट स्लाइड के अंदर पिछले स्पीकर की एक वर्ड था इफेक्टिव लीडरशिप के बबल के अंदर, वो क्या था? एनीबडी भाई, इफ यू वांट टू लर्न इन दिस सेशन यू हैव टू स्पीक अप. इफेक्टिव लीडरशिप, उसके तीन बबल्स इर्द-गिर्द बने हुए थे. यानी के मैंने ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर डाल दिया टीम्स को, राइट? और फिर मैंने ये कहा कि कॉन्फ्लिक्ट टीम्स के अंदर होता है, क्या सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही टीम्स बनती हैं, कहीं और भी हो सकती हैं? मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर भी टीम्स और पोल्स बन सकते हैं. यानी कि इंटरनेशनल, अगर हम अपने स्कोप हमारा ब्रॉड कर दिया, दैट साइड प्लीज यू हैव टू कंसंट्रेट ओवर हियर, इधर देखिए ना, लगे हुए हैं ना? ऑलराइट, एग्जैक्टली. अगर मैं स्कोप छोटा करूँ तो फैमिली के अंदर भी टीम्स हो सकती हैं, योर सेल्फ्स, राइट, योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, योर कजन्स. नाउ वी आर टॉकिंग, राइट? परफेक्ट होता है बहन भाइयों में, बहनों में. ऑलराइट, नाउ एवरी स्लाइड दैट वी गो थ्रू आई वांट टू कीप दैट कॉन्टेक्स्ट इन माइंड. ऑलराइट, डिस्कशन क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबको सही से नजर नहीं आया, स्पेशली पीपल ऑन दैट साइड, तो मैं बोल देती हूँ. What are some of the results of the conflict? अगर दो लोगों की आपस में नहीं बन रही है, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? I wish I had a thousand here, right? Fighting. Sorry, fighting. Fighting होती है. Conflict होता है. Conflict से क्या होता है? Hostility. Hostility. Very good. Breach of level of understanding. All right. End you. Policy. पॉलिसी, क्या पॉलिसी बनती है या बिगड़ती है? बनती है कोई भी काम नहीं हो सकता. इन अदर वर्ड्स, जो कि लीडरशिप का पर्पस है, क्या है लीडरशिप का पर्पस? क्या लीडरशिप का पर्पस? आपने अभी देखा है पिछले लीडर्स, पिछले जो सॉरी जो सेशन लीडर्स हैं, वो यही बोल के गए. क्या पर्पस है? इन्फ्लुएंस, इंस्पायर, इन्फ्लुएंस अदर्स टू रीच अ कॉमन गोल. यानी कि आपके गोल्स अटेन नहीं होंगे, राइट? इन अदर वर्ड्स, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट पे इसी चीज को डालूं, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कॉस्ट हो सकती हैं? व्हाट डू यू गाइस थिंक? आपके ऑब्जेक्टिव्स मीट कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स मीट करेंगे, आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजीज मीट करेंगे. हम विजन की बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटजीज, कि कौन से इंडिकेटर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं और अपने जो मार्केट प्लेस है उसके अंदर सबसे ज्यादा मिलते हैं. मैन पावर से अगर मैं थोड़ा सा रिफाइन करूँ तो मैं यही कह सकती हूँ, टर्नओवर बढ़ जाएगा, टर्नओवर, रेवेन्यूज, रेवेन्यू मिल जाएंगे, बिजनेस मिल जाएगा, बिजनेस लैंग्वेज वो है भाई, द बैक प्लीज, डिससैटिस्फैक्शन, राइट? द एम्प्लॉइज आर नॉट गोइंग टू शो अप टू वर्क, इफ दे आर गोइंग टू शो अप दे विल बी अवॉइड ईच अदर. वो आ रही नहीं, उससे दोस्ती नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, मिल नहीं बन रही आजकल, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो दैट वे, राइट? ये होता है, इवन दोस्तों के भी नुकसान होता है, लड़ाई हो जाए, नहीं बात करनी. इस स्लाइड के ऊपर मैंने चंद यूएसए के स्टैटिस्टिक्स लिख दिए कॉस्ट के तौर पर. यानी कि आपका टर्न ओवर हमने बात की गिर जाता है, राइट? रेवेन्यू गिर जाता है, राइट? कॉस्ट बढ़ जाती है, एब्सेंटीज्म बढ़ जाता है, लोग इधर मैन कॉपरेशन बढ़ जाता, कम हो जाती है, यस?
प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? हमने प्रोडक्टिविटी में ही डिस्कस किया, Alright? So it costs organizations to have conflict in the organization, right? It costs them in terms of money. इसका मतलब ये है कि conflict resolution is important, right? Alright, जब सवाल किया गया, अभी यहाँ से एक brainstorming session के दौरान एक जवाब दिया है कि conflict अगर अच्छा है तो किस कब अच्छा है, conflict अगर बुरा है तो कब बुरा है? What do you guys think? एक सेकंड, I'll take your answer. हमने ये देखा था everybody is motivated by self interest. Yes. अगर motivated of self interest है और conflict पैदा हो रहा है तो it might lead to increased productivity as well. Right? Alright. Researchers कहते हैं कि दो type का conflict होता है. कौन से दो लिखे हुए ऊपर? ऑलराइट, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट होता है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने में मदद दे जाता है. ऑलराइट, फैमिली के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डालें. ऑलराइट, उसके बाद डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट वो होता है जो कि नेगेटिव इमोशंस, इमोशंस के बारे में आपने पढ़ा देखा भी सेशन के दौरान, राइट, नेगेटिव इमोशंस लेकर आता है. ऑलराइट, दैट कॉन्फ्लिक्ट इज डिस्ट्रक्टिव. Alright. अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जाए या मैनेज किया जाए. What do you guys think? अगर मैं फैमिली कॉन्टेक्स्ट पर बात करूँ तो कुछ कजन्स होती हैं या होते हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात ही नहीं करते हैं. They don't talk about their friend in the room. Everybody knows कि वो उनके दरमियान झगड़ा चल रहा है लेकिन nobody wants to talk about it. Yes? Alright. That is called preventing conflict. Ab, how do you manage conflict? Any ideas? Discussions. All right, discussions. What else? Positive information passing. All right, positive information can exchange ki ja sake. So if I'm more open, in other words, with you, all right, and you're more open with me, we can resolve our differences. More on this to come. डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्सेस डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान हम थोड़ा सा और रखते हैं. अब डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई, विच इज फॉर दोज पीपल हू कांट स्पीक ओवर देयर, रिलेशनशिप्स आर नॉट कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट एज द टास्क. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी बात की जाती है तो दो चीज़ों की अटेनमेंट की बात की जाती है. एक है काम हो जाए, और जो काम कर रहा है उसके साथ रिलेशनशिप कैसी है. लीडरशिप थ्योरी इसको डायरेक्ट रिलेशनशिप कहती है. राइट नाउ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अथॉरिटी कंप्लायंस है कि टास्क इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द पर्सन इटसेल्फ. राइट, अब मेरा सवाल आपसे ये है, अगर डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट हो तो क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फैमिलीज के अंदर? खुदा का डिसऑरिएंटेशन, एमलेसनेस, मिसकम्युनिकेशन, व्हाट एल्स? परफॉर्मेंस लो हो जाती है. वहां से कोई बोल रहा है? नॉन कोऑपरेशन. ऑलराइट, व्हाट एल्स? टेंशन रहती है, यानी कि यू कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी. राइट, उसके बरक्स अगर कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो फिर क्या होता है? रिलेशनशिप्स मैटर. द नेक्स्ट पर्सन नेक्स्ट टू यू मैटर्स. इसीलिए आपको यूनिवर्सिटीज के साथ जो भी इंट्रोडक्शन शुरू में करवाया वो इसी मकसद के लिए करवाया. मैं डिटेल में इसलिए नहीं गई क्योंकि आप लोग यूसुफ को जानते हैं, दोस्तों दोस्त बैठे हैं, है ना. इट वॉज नेसेसरी फॉर यू टू गाइड नो कि दूसरी यूनिवर्सिटीज कहाँ पे बैठी हैं सो दैट वी कैन हैव अ होलिस्टिक डिस्कशन. राइट, दूसरा पॉइंट क्या है? Alright, I might not agree with you, but I respect your choice. I can have a different opinion about something, but you respect my choice, and I respect yours. Alright? Relationship,
आउटकम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है. Right? We might achieve our goals, but you as a person are more important to me. So we might take a little longer to achieve our goals. That's not an issue. Right? Ab, agli discussion ke liye, I want you guys to use the pads and the pens in front of you. Hai ko mila? Yes. Kindly use them. What I want you to do is to write three behaviors in a family context jo ke constructive conflict exhibit karta hai. Sawal samajh aa gaya? Aapne aap aise teen behaviors mujhe batane hain jo ke constructive conflict hone ki wajah se family ke andar paida hote hain. Take 2 minutes and then we're going to discuss it. I want to hear your mind speak. हमें क्वेश्चन दोबारा समझाएं. Alright. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फैमिली के अंदर कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है, in other words, people aim to be productive, ठीक है, mutually beneficial discussion decision देना चाहते हैं वो, और एक दूसरे की वैल्यू को ओपिनियन करते हैं. तो और अगर रिलेशनशिप्स को वो वैल्यू कर रहे हैं तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कैसे बिहेव करेंगे या फैमिली के अंदर? लेट्स कीप इट स्मॉल. फैमिली रखें.
कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट हमने तय किया कि अच्छा है, होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. इट हेल्प्स देम ग्रो, राइट? इट ब्रिंग्स यूनिटी, इट ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ पर्पस इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑलराइट, यानी कि एवरीबॉडी इज पुटिंग ऑल ऑफ देयर कार्ड्स ऑन द टेबल. इन अदर वर्ड्स, दे आर ब्रिंगिंग देयर होल सेल्व्स टू द ऑर्गेनाइजेशन और द फैमिली. इन अदर वर्ड्स, फैमिली के अंदर अगर बात करो तो सीक्रेट्स आप दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते, आप माँ बाप के साथ शेयर कर रहे हैं. I see a couple of shuffles there. All right. Next. यानी कि आप क्यों अपने कार्ड लेकर आते हैं? You might जो भी discussion के whatever is under discussion, जो कि agenda उस type पे या family के अंदर, you can bring your own ideas. That means everybody is safe to agree or disagree. All right. They can present their own mind. Yes. उसकी कोई रिप्रिकॉशन नहीं है. Alright. यानी कि अगर तो डिसेंटिंग आइडियाज एक ही टेबल पे आ रहे हैं डिफरेंट मेंबर्स से, तो वो रिफ्यूट भी हो सकते हैं, यानी कि निकाले भी जा सकते हैं. मे बी देयर इज अनदर बेटर आइडिया ओवर देयर, राइट? और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको बोलने नहीं दोगे, यानी कि छोटे बहन भाई की भी, आवाज है, सिर्फ बड़े भी बोल सकते, सारे ही बोलेंगे. इट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू नाउ. ऑलराइट, लेकिन आखिरी तीन लव्स क्या है? नोबडी, राइट? सोशल रिप्रिकॉशंस होने का फायदा क्या होता है? एवरीबॉडी कैन गिव देयर ओन ओपिनियंस बट नोबडी गेट हर्ट. ठीक है, यानी कि किसी का दिल नहीं दुखता. राइट, एम आई क्लियर? यस. इस स्लाइड के ऊपर आपको चार रीजंस नजर आ रही होंगी जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता ही होता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर. ऑलराइट, कौन कौन सी है? एज, कल्चर, एक्सपीरियंस एंड वैल्यूज एंड बिलीफ्स. पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह कितने कल्चर्स हैं? हर 500 किलोमीटर के बाद कल्चर चेंज हो जाता है ना, और जबान भी चेंज हो जाती है. दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ योर कल्चर चेंजिंग. और पॉलिटिक्स भी चेंज हो जाती है, बिल्कुल. यानी कि अदर वर्ड यू टॉकिंग अबाउट वैल्यूज एंड बिलीफ्स. वैल्यूज एंड बिलीफ्स चेंज होगी तो फिर आपकी पॉलिटिक्स चेंज होगी, राइट? नाउ ऑन योर पैड्स आई वांट यू राइट डाउन एंड रेट देम कि आपके नजर में एज सबसे इंपॉर्टेंट है या वैल्यूज एंड बिलीफ्स सबसे इंपॉर्टेंट है. एक से लेकर चार तक आप नंबर देंगे, एज को, कल्चर को, एक्सपीरियंस को और वैल्यूज एंड बिलीफ्स को. आपके ख्याल में सबसे ज्यादा कॉमन रीजन क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होने की? डोंट टेल मी राइट नाउ, राइट इट ऑन योर पैड. आई गिव यू अ मिनट. यानी कि एक सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है कॉन्फ्लिक्ट को और चार सबसे कम. अगर तो आपके ख्याल में एज सबसे ज्यादा कॉमन रीजन है तो उसको नंबर वन देंगे एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. एवरीबॉडी डन? यस. कैन आई हैव अ यस फ्रॉम दैट साइड एट द बैक? ऑलराइट, व्हाट अबाउट दिस साइड? अगर मैं पूछूं हर एक से तो कोई मुझे बताइए कि सबसे कॉमन रीजन आपके ख्याल में कॉन्फ्लिक्ट की क्या है? वैल्यूज एंड बिलीव्स आर द मोस्ट कॉमन रीजन इन योर केस. यस. तो आप ये देखिए कि डिफरेंट वैल्यूज एंड बिलीव्स के लोगों को इकट्ठा करना कितना मुश्किल है. That would make you realize कि conflict किसी भी situation के अंदर inevitable है, होते ही होगा. ठीक है, अब सवाल ये आता है, आपके management ने मुझे कहा था conflict resolution पे बताइए. ठीक है, लेकिन सवाल ये कि क्या conflict हमेशा के लिए resolve हो जाता है? यानी कि conflict inevitable है, वो एक situation resolve होगी तो दूसरी situation में दोबारा खड़ा हो जाएगा. What you can do is manage the conflict. Alright?
वैरायटी ऑफ नीड्स किसको पता है? सबसे पहली कौन सी है? बेसिक नीड्स, इन अदर वर्ड्स फिजियोलॉजिकल नीड्स, राइट? अब कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट ये रियलाइज करता है कि सबकी नीड्स कॉमन है और इंपॉर्टेंट है, सिंस दे आर ब्रिंगिंग देयर होल सेल्फ टू द टेबल, राइट? तो सारों की नीड्स इंपॉर्टेंट है, राइट? अब कौन सी ऐसी नीड है आपकी? काइंडली गोइंग बैक ऑन योर मैट्स, इन अदर वर्ड्स दैट वुड, मैंने तो यहाँ पे दैट वुड लीव योर जॉब लिखा हुआ है, लेकिन दैट वुड लीव योर यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स आ रहे, व्हाट इज दैट वन फिजियोलॉजिकल नीड जिसके ना होने से आपको यूनिवर्सिटी आने को दिल ही नहीं करता? सही बात है, यूनिवर्सिटी आ रहे हैं तो किसी मकसद के लिए आ रहे हैं ना? With the context of Maslow's hierarchy of needs, लिखिए कौन सी नीड है आपकी जो कि आप फुलफिल करने के लिए यूनिवर्सिटी आते हैं? I see some chuckles there, inquisitive. वहाँ पे क्या होता है? Right, everybody done with that? Can we have a brainstorming start from the side? You have a hansi aa gayi thi. You were laughing at something, right? Boliye speak up. So what attendance ke liye aapne? Yani you get attendance wala kisi puri university khali hai na? Yes. Yes. नहीं है?
आपकी एक कनेक्शन भी आपको देते हैं, यू कैन आइडेंटिफाई विद समबडी. मैंने आप लोगों से क्यों कहा था कि यू कैन नोटिस दैट द मोमेंट द एक्टिविटी वाज एडजर्न्ड, यू गाइस फेल इनटू योर ओन ग्रुप्स, राइट? ये आपको कनेक्शन दे रहा है. क्यों? इसलिए कि आप एक दूसरे को जानते हैं, मोर प्रेडिक्टेबल. फिर आगे क्या है? मेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी. मेंटल हेल्थ आप उस इंसान से जाके पूछिए जो कि एसिड का विक्टिम है, राइट? फिर चैलेंज एंड सपोर्ट विद डिसेबिलिटीज. पाकिस्तान के अंदर अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द वर्क प्लेसेस के ऊपर रैंप नहीं है. आर वी रियली एन इक्वल अपॉर्चुनिटी स्टेट? नो. आप डिसेबिलिटीज को छोड़ दें, जो आपकी फैसिलिटीज आमतौर पे अवेलेबल है इवन मार्केट के अंदर, वो उन लोगों के लिए बनी है जो कि मैच्योर एडल्ट्स हैं. ना बच्चों के लिए ज्यादा है, बेशक किसी इंडस्ट्री में देखना है, ना बूढ़ों के लिए ज्यादा है. हम कैसे सपोर्ट कर रहे हैं उनको? आर वी ब्रिंगिंग देम टू द टेबल? आखिरी क्या है? एग्जैक्टली. हर एक के पास, हर फैमिली से, मैंने एग्जाम्पल ही फैमिली से दिया आपको, हर फैमिली के पास रिसोर्सेज डिफरेंट होते हैं. लेकिन अगर पूल कर लिए जाए तो दैट्स व्हाई यू ब्रिंगिंग एवरीबॉडी टू द टेबल. इसीलिए कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट अच्छा होता है. Alright. यहाँ पे एक ऑथर का नाम लिखा हुआ, राइट? इनकी किताब का क्या नाम है? और भी है, लेकिन ये सबसे ज्यादा मशहूर है, राइट? यानी कि इस बुक के, अगर इस बुक को आप पढ़ लें, व्हाट ही डज इज ही ऑर्गेनाइजेस ईच हैबिट इनटू अ चैप्टर. ठीक है, अगर आप वो अपने अंदर जितने ज्यादा जो हैबिट्स डालते जाएंगे, उतने आप इफेक्टिव होते जाएंगे टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ योर गोल. अब सवाल ये पैदा होता है, मैंने स्टॉप किया क्योंकि नाम लिखा है ना? वो इसलिए कि उनके बेटे हैं शॉन कवि, ही रोट अनदर बुक व्हिच वाज सिमिलर इन नेचर बट फॉर टीनेज. यस, टीन्स. व्हेन आई एंटर्ड माय टीनेज इयर्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय फादर, ही इंट्रोड्यूस्ड दैट बुक टू मी. My father didn't talk to me directly, but he would give me books that would build me up as a person. इसके अंदर चौथी habit है. किसी को याद है कौन सी है? किसी को याद है? Teams वाली हो या seven habits of highly effective people वाली हो? No. अगर interdependence को मैं habit के title बोलूँ तो वो कौन सी है? Interdependence, right? इंटरडिपेंडेंस का रिजल्ट क्या होता है? यानी कि आप ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढते हैं जो कि विन विन हो, राइट? आई आल्सो विन, द अदर पर्सन आल्सो विन. ये ना हो कि मैं जीतू और वो ही नहीं. एग्जैक्टली, राइट? अब वो कहता है कि जब भी डिसएग्रीमेंट होता है, आई विल आइडेंटिफाई माई ओन नीड्स एंड द अदर पर्सन इज गोइंग टू आइडेंटिफाई हिज और हर ओन नीड्स, राइट? एंड देन रादर देन रिएक्टिंग कि मेरी ही नीड्स पूरी की जाएंगी, वी आर गोइंग टू पुश द स्टॉप बटन. ही सेज इट्स इन द मिडिल ऑफ योर फोरहेड फॉर सम रीजन, राइट? एंड देन वी आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड इन सच अ वे दैट इट नॉट ओनली मीट्स माय नीड्स बट आल्सो द अदर पर्सन. इमेजिन अ डायलॉग दैट मीट्स मोस्ट ऑफ आवर नीड्स. सारी बातें सारी मेरी भी पूरी नहीं होंगी, सारी अगले की भी पूरी नहीं होंगी, लेकिन वी विल बी एबल टू रीच ऑन अ कंसेंसस जो कि तकरीबन हमारी कॉमन नीड्स पूरी कर दे, राइट? यही हम कोशिश कर रहे हैं. इंडिया के साथ 60 साल हो गए, 70 हो गए, 70 हो गए. यही हम कोशिश कर रहे हैं इंडिया के साथ कि हमारी कोई कॉमन नीड्स पे डायलॉग सक्सेसफुल हो जाए, राइट? ऑलराइट, नाउ दैट वी अग्री कि कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट बेनिफिशियल होता है, ठीक है, और हर एक की नीड्स अपनी अपनी और कॉमन होती हैं, ठीक है, तकरीबन कुछ कॉमन होती हैं, राइट? यानी कि अब हमें उन तरीकों की तरफ आना चाहिए जो कि ये कॉमन नीड्स पूरी कर सकें. दो तरीके मैं आपको यहाँ पे दूंगी, राइट? पहला यहाँ पे है जो कि हम अगर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अप्लाई कर लें, जिस तरह से आपको पहले स्पीकर से दिया है, इस तरह से एक छोटा सा मैं आपको दो
तरीके दूंगी यहाँ पे. पहले हम उसको देख लेंगे वो होता क्या है, उसके बाद हम दो शॉर्ट वीडियोस देख लेंगे और उनको अप्लाई कर लेंगे. ऑलराइट, वी आर गोइंग टू डिस्कस देम एज वेल. अगर आप लोगों से पूछो कि इस्लाम का तरीका क्या है, बिफोर आई बिगिन विद कॉन्फ्लिक्ट मैपिंग जो कि पहली टेक्निक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस्लाम का तरीका क्या है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का, तो आप लोग क्या कहेंगे? ब्रेनस्टॉर्मिंग वेयर यू गेट टू स्पीक अप. यानी कि इस्तेमाल में होता क्या, व्हाट आर वी डूइंग, कॉमन ओपिनियंस ले रहे हैं, राइट, डिफरेंट ग्रुप्स की लिटरली कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हम फॉन्ट का है, हम राइट से शुरू करते हैं और रिलीजन का आइडियोलॉजी, लेकिन बाकी फिजिकल कोई डिफरेंस नहीं है. वो भी आप, वो भी इंसान है, उनकी भी वही नीड्स हैं और हम भी इंसान है, हमारे भी वही नीड्स हैं. ऑलराइट, मैं सिर्फ हायरार्की ऑफ नीड्स पर बार बार रेफर इसी के कर रही हूँ. ऑलराइट, यानी कि जिस जो आपके दरमियान कॉमन चीज है उनसे आप शुरू करें, ठीक है, उसके बाद उन एरियाज के ऊपर बात करें जो कि डिसएग्रीमेंट वाले हैं, ठीक है. तो फिर अगर कॉमन एरियाज पर बात करने से होता क्या है, what happens when you talk to somebody about common things, faction development, solution ki taraf ya solution ki taraf jaate hain ya faction develop hoti hai. Misal se hum naye kapde pehen ke aate hain, ekme sabse pehle dekhte hain kaun se kapde pehne hain, kaise lag rahe hain, right, ya kaise lag raha hu, for that matter aaj ke ladke bhi bahut conscious ho gaye hai na. Alright, to hum kya keh rahe hain, hum ye keh rahe hain ki tumne bhi wohi dress pehna hai, right, usi tarah ka, right, maine bhi usi tarah se pehna hai, मैं भी तैयार हुआ हूँ ईद के लिए या हुई हूँ और तुम भी तैयार हुए हो या हुई हूँ, ठीक है. फिर हम जाते हैं, अच्छा जी किस टाइप का फन है ना, कौन सा ब्रांड है, फिर डिफरेंसेस की तरफ जाते हैं. बट व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन इज बिल्ड अ बेस टू टॉक अपॉन, राइट, दिस इज वन मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. आखिरी पॉइंट इसमें यह है कि हम यहाँ पे प्रायोरिटाइज इसको कर रहे हैं, रिलेशनशिप को हम ये नहीं कहते कि अगर तुमने फलाने पैंट का नहीं पहना तो मैं तुमसे नहीं बोलती. यस, देयर यू गो. अब यहाँ पे बिफोर आई बिगिन दिस वीडियो व्हाट यू विल सी इज अ गाय इन अ ग्रीन एप्रन. ऑलराइट, किसी ने स्टारबक्स का स्टोर विजिट किया, किसी ने स्टारबक्स के बारे में सुना है? जो बरिस्टास होती हैं या होते हैं दे वेयर एप्रन्स और वो ग्रीन कलर के होते हैं हमेशा. सो व्हाट यू विल सी इज अ बरिस्टा सर्विंग कॉफी पेपर द डू राइट टू अ कस्टमर. लेकिन व्हाट स्पेशल अबाउट दिस, लेट्स सी. गुड मॉर्निंग सर, व्हाट कैन आई गेट स्टार्टेड फॉर यू टुडे? Express yourself. What size? Three dozen glasses. Are we caring for the wedding pastry? Mocha. Three mocha lattes. Double chocolate chip muffin. Yum. Express yourself. Ah, you have three Paul McCartney CDs. Awesome. I. The Beatles, they are my life. So, gun, shoot. Three shots. All right. So, three lattes, three mochas, double chocolate chip muffin, and three shots. No assassinations. Oh, and three Paul McCartney CDs. That's gonna be 68-12. All right, let's discuss this. Ho kya raha tha?
मिस कम्युनिकेशन थी, यानी कि मिस कम्युनिकेशन कब होती है? जब समझ में आ रहा है, राइट? इन अदर वर्ड्स आपका कम्युनिकेशन स्टाइल डिफरेंट है. यस. इवन जब दो यूनिवर्सिटी का पहला दिन आप लोगों का, राइट? आप लोग पहले दिन आए हैं एंड यू मीट ईच अदर, यू डोंट, यू हैव नेवर सीन ईच अदर इन लाइफ बिफोर, आई एम अज्यूमिंग. ऑलराइट, एंड देन यू मीट, पहले एक्वेंटेंस हुआ, ठीक है, एंड देन यू साइज ईच अदर अप. ऑलराइट, क्या ये मेरे जैसा बोलता है? Does he communicate like me or she for that matter? Alright, then you begin with friends. Alright, the point here I'm making is कि हर एक का communication style different होता है. इसी तरह से apply this to cultures. Alright, even Pakistan के अंदर communication, पंजाबियों का communication style different है. Alright, और फिर इसी तरह से जो AJ के हैं, right? जो KPK के हैं, जो सिंधी हैं, बलोची हैं, उन सब का communication style different है. For that matter, language ही different है. Right? इसी की आपकी उर्दू लश्करी जबान पैदा हुई, राइट? कि बात तो कर सके ना, किसी को समझ सके, लेकिन फिर भी एक ही जबान जो बोलते हैं उनके दरमियान भी बोलने का अंदाज डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल, मेरा डिफरेंट है, मेरे से जो पहले रिस्पेक्टेड स्पीकर्स आते थे उनका डिफरेंट था, है ना? राइट, यानी कि सिर्फ कम्युनिकेशन स्टाइल एक और वजह हो गई जिसकी वजह से हम कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पढ़ सकते हैं, राइट? अब हमारा चैलेंज क्या है यहाँ पे? चैलेंज क्या है? हाउ कैन यू ब्रिंग अ होल सेल्फ टू द टेबल? एग्जैक्टली, यानी कि हमने एक ऐसा स्टाइल ढूंढना है, ठीक है, जो कि मुझे भी समझ आए और आपको भी समझ आए, ताकि तीन लोग, तीन शॉट्स चाहिए थे ना मुझे, वो मेरे तीन शॉट्स ही मुझे मिले, बाकी तादाद जो कॉफी की थी और मफिन की थी वो वापस ना मिले, है ना? ऑलराइट, this is the second method of conflict management that I'm going to leave you with. Iska acronym banaya gaya, this is by Claire Canfield, and he is a lecturer for communication studies at Utah State University. Theek hai ki, TED talk ke TED talks dekhte hain? Yes, haath khada kare, yes, half yes, yes. All right, go and watch this TED talk of his, theek hai. This is what's on communication. It is on conflict resolution, right? What he proposes is vocab. Acronym diya hai. It sounds a bit like vocabulary, doesn't it? Easier to remember, right? All right. The V stands for vulnerability. In other words, humne apne aap ko pura ka pura dikhana hai. Ab main pura ka pura dikhane se kya matlab hai? इसका मतलब ये है, हमारी सोसाइटी इज अ क्लोज सोसाइटी, राइट? हमारे पेरेंट्स में ये कहते हैं स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी, राइट? कहा जाता है दैट इज बिकॉज ऑफ द सेफ्टी फैक्टर एंड सिक्योरिटी फैक्टर. लेकिन जब हम इस ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए जिस तरह से आप और मैं आज यहाँ पे बैठे हुए, तो वी कैन ब्रिंग होल सेल्व टू द टेबल, वी कैन टॉक अबाउट आवर आइडियाज, व्हाट्स बॉदरिंग अस, वी कैन बी वल्नरेबल. ब्रेने ब्राउन की बहुत मशहूर टेड टॉक है, अगर आपने देखी हो, वल्नरेबिलिटी के नाम से, ठीक है? आई एम गोइंग टू लीव यू विद दैट एज वेल, वो भी देखिएगा. सेकंड पॉइंट क्या है? ओनरशिप, यानी कि अगर मैंने गलती की है तो उसे मैं मानू. बिलीव मी, दिस बिल्ड्स योर कैरेक्टर, राइट? अगर ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में आपसे कोई गलती हो जाती है, सिंपली अगर आप आगे जाके जॉब करेंगे, राइट? जॉब पे रहता है नहीं मिस, यस, कैन हैव अ शो ऑफ हैंड्स, इससे रहता जॉब का? ऑलराइट, गुड. ऑलराइट, आगे जाके जब आप जॉब करेंगे, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, गलती मानने में गलती नहीं है, कोई बुराई नहीं है, इफ यू गो अप एंड एडमिट इट, मोस्ट ऑफ द मैनेजर्स विल एनकरेज यू. ऑलराइट, इससे हम कर क्या रहे हैं? जो हमारी इमोशंस हैं, इन अदर वर्ड्स इंस्पिरेशन, पिछले स्पीकर की याद है टॉक, राइट? हम उसके गेट्स खोल रहे हैं, राइट? फिर आगे कम्युनिकेशन, अगर मैं आपसे पूछूं पीछे से शुरू करें आपके सर के, तो पहले क्या आता है? कान, है ना? और दिए भी दो हुए, इसीलिए सुनना पहले बोलना बाद में. हम लोग अपनी सोसाइटी में क्या करते हैं? उल्टा करते हैं. हाँ जी, फिर रिग्रेट करते हैं हमने बोला क्यों,
right? So listen first, push the stop button and then respond. Yaad rakhiyega, responding aur reacting mein bahut fark hai. Theek hai? Acceptance, right? Yani ke if we let go of the things that we cannot change and change the stuff that we can, usse kya hoga? Tension kam ho jayegi, stress kam hoga, right? Theek hai? Aap hi ke boundaries. मैं अगर पहली बार एग्जाम्पल के अंदर आऊँ तो आपके पेरेंट्स आपसे क्यों कहते हैं कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करती? दैट्स बिकॉज ऑफ दे ट्रेनिंग यू टू एग्जिबिट एक्सेप्टेबल बिहेवियर इन पब्लिक. नाउ लेट्स अप्लाई दिस वोकैब ऑफ क्लियर क्रांफी एंड द प्रीवियस वन, द कॉन्फ्लिक्ट मैपिंग on this video, and afterwards we are going to discuss it over. All right, ki hua kya yahan pe. I describe my political views as the new right. I'm sorry, I'm left. Feminism today is mandating. I'll describe myself as a feminist, 100%. I don't believe that climate change exists. We're not taking enough action on climate change. And all that time is people go off their high horse and start to look at the incredible problems that actually exist. It's absolutely crystal that we can't get my health. There was national right. You can't, you know, you're a girl, man, you're a man, you're a female, you're a female. Women do need to remember that we need you to have our children. Can I be sure to sell it to the real estate in my home? Right, okay, well I'm an expert at flatbacks. If you have any trouble, just watch me. So it looks like I've got your instructions here. I think so. Let me up here. Just that bit there. Describe what it is like to be in 5 adjectives. Okay. Frustrating. Dedicated. Opinionated. Lucky. Ambitious. Offensive. Solemn. I have ups and downs. Strong. I want to say attacks. Misunderstood. Name 3 things you and I have in common. We're both male, we're both confident, and we're both loudly spoken. We know each other better than people who know each other for 10 minutes. Sure. You seem quite ambitious and positive, and it's really got a glow. Do you know what I'm saying? Your aura's pretty cool. I'm sensing, are you for military or something? People said that, but there is no, yeah. There is no history. So are you ex-military? Yeah. If you're ex-military, I'm very proud of you already. Oh, sorry. I grew up in a bit of a rough state. I've experienced homelessness. I've known what it's like to have absolutely nothing. Yeah. So definitely most grateful just for life. We've only just met, but I think you're the sort of person that would listen to me and we'd have a discussion rather than, oh yeah, you could hang out with man. Let's go. Come on, James. Come on, let's say. You're right, mate. If we turn it on, look. Perfect. Oh, yeah. Really? It's basically after we've got a bar. Yeah. Okay. Each take a bottle and place it on its corresponding markings on the bar. Attention, please now stand to watch a short film. Feminism today is definitely an excuse for misogyny. Now, Nathan, if somebody said to me that climate change is destroying the world, then I'd say that is total piffle. So transgender, it is very odd. We're not set up to understand or see things like that. I am a daughter. A wife. I am transgender. I feel like the battle for feminism definitely isn't done. The fight is never going to be over if I'm going to be. You now have a choice. You may go, or you can stay and discuss your differences over a dinner. Come on, EJ.
joking. It's not gonna end. Well, I'm having a drink. I'm having a drink, yeah. I'm in this glass. Beer. Yeah, beer in this glass. Cheers. A little bit late, mate. Reaching out to people here. And, you know, even if you wanted to convince people about your point, the productive thing to do would be to sit down. Engage, engage. I've been brought up in a way where everything's black and white. But life isn't black and white. Yeah, well, I'm just me. Yeah, smash the patriarchy. I'll give you my mobile number, you can be yours. And we'll keep in touch. I'll have to tell my girlfriend that I'll be texting another girl. She might get upset with her, but I'll have to get round to her and tell my girl. Thank you. Alright, who kya raha tha yahan pe? What did you see first, and then what did you see, and afterward what happened? Please brainstorm, let's brainstorm together. Kya se? दो लोग थे सिर्फ दो लोग मतलब अलग अलग ग्रुप्स थे यानी कि तीन ग्रुप्स थे दो दो के ऑलराइट फिर उन्होंने आपस से बात की लेकिन उससे पहले क्या हो रहा था दे हैड डिफरेंसेस इन द पिक्चर सबसे पहले क्या हो रहा था दे वर फिल यस दे वर फिल सेपरेटली उनसे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस किए गए एंड आफ्टर दैट उन दोनों को उनके पेयर्स बना के उन्हें सेपरेटली डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया और एक मैं आपको बस यहां पे काटूं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डिड दे नो कि उनके ओपिनियंस क्या हैं उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जाते हुए वो एक दूसरे को जानते नहीं थे बिल्कुल यूनिवर्सिटी के पहले दिन की तरह हम नहीं जानते हैं ना और तो व्हाट डिड यू सी जब वो नहीं जानते थे अपनी ओपिनियंस तो व्हाट डिड यू सी कि कौन सी नीड्स के ऊपर वो ऑपरेट कर रहे थे वैसे कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ मिलके उन्होंने डेस्क बनाया था दे बिल्ट बार स्टूल्स एज वेल यस फिर क्या हुआ था दे स्टार्टेड टॉकिंग दे हैड अ डिस्कशन व्हाट डिड दे टॉक अबाउट उनसे कुछ लिखने को कहा गया था yes? पहले क्या चीज लिखने को कहा गई थी एडजेक्टिव्स कहा गए थे यानी कि आप अपने आप को डिस्क्राइब करें राइट व्हाट सॉर्ट ऑफ एडजेक्टिव्स डिड दे यूज नॉट एवरीवन बट दे डिस्क्राइब द नेगेटिविटी ऑलराइट व्हाट दे फेल्ट राइट What they experienced in their life. All right. उसके बाद क्या हुआ? थोड़ा-थोड़ा अपनी लाइफ के हवाले से खुलना शुरू हुए. All right. फिर दरमियान में उनको जब वो टेबल बना लेते हैं, फिर उनको बिठाया जाता है, right? At the corner of the table, एक साइड पे नहीं बिठाया गया, remember that, right? एक साइड पे क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप एक साइड पे तो आपके ओपिनियन एक जैसे हैं. Different angles से बिठाया गया था उन्हें, है ना? यानी कि उनके ओपिनियंस बिल्कुल डिफरेंट हैं, राइट एंड देन व्हाट हैपेंस डिड यू सी द बोर्ड गाय डू दिस ही डिड अ डबल टेक पीछे देखता है वो बिकॉज ही स्टार्ट हियरिंग हिज ओन वॉइस राइट अपने ओपिनियन से पहले वो फिल्म बनाई गई थी राइट वो शेयर करना शुरू कर देते हैं राइट एंड देन दे डिस्कवर कि उनकी असल ओपिनियन क्या राइट ऑलराइट अब पहले तो वो अगर मैं कॉन्फ्लिक्ट मैपिंग को लेके चलूं पहले वो कॉमनैलिटीज में चल रहे थे बेसिक नीड्स उनकी एक ही थी राइट जब वो सेटिस्फाई हो गई दे ईच हैड अ बियर इन देयर हैंड दैट इज ट्रेडिशन ओवर देयर बट आप अब्रॉड जाएंगे देयर यू विल सी बियर एवरीवेयर इट्स जस्ट ड्रिंक ऑलराइट ऑफ कोर्स नॉन अल्कोहलिक हमारे केस ऑलराइट अब व्हेन दे आर सिटिंग ओवर देयर एंड दे नो ईच अदरस ओपिनियन व्हाट चेंज्ड Now they're crossed over and they're talking about their differences, isn't it? Right? How they're different, they realize their poles apart. Yes, no, half yes. Size okay? Alright. Ab, aakhri sawal mera ye hai, ki jab unko pata chala ki unke asal opinion ek dusre ke baare mein kya hai, to how did the discussion amongst them change? Did they were given an option, right? If they wanted, they could have left the table. But did they? They realized that they can work together. Exactly. And look past their differences. That is what happens in successful conflict mapping.
इस्तेमाल करूँ, यानी कि दे वर वल्नरेबल, राइट? हाँ, उल्टी हुई, उल्टा उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन अप्लाई हुई भी है. दे वर वल्नरेबल, दे वर रेडी टू टॉक अबाउट, बट दे वर मोस्ट अनश्योर अबाउट, राइट? फिर दे ओन टू देयर ओपिनियंस, राइट? उसके बाद क्या था? सी से कम्युनिकेशन, दे कम्युनिकेटेड अमंगस्ट देमसेल्व्स. A से acceptance, they accepted for the other person for who they were, right? The transgender says, I am a daughter and a wife. The other person accepts this. Isn't it beautiful? हम discussion का field ही हमने change कर दिया. We are no longer talking about differences anymore, right? अब आखिरी point मेरी ये है आपके लिए कि what if India and Pakistan start having this same discussion over Kashmir, what will happen then? Thank you.